गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया ईएमए को कैसे चूज़ करते हैं, ईएमए लेंथ को कैसे चूज़ करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज के बारे में और कुछ इन डेप्थ नॉलेज। मूविंग एवरेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। राइजिंग मूविंग एवरेज इंडिकेट्स दैट यू शुड लॉन्ग एट दैट पर्टिकुलर लेवल एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज इंडिकेट्स दैट यू शुड शॉर्ट एट दैट पर्टिकुलर लेवल। राइजिंग मूविंग एवरेज और फॉलिंग मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली अगर एनालाइज करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको एनालाइज करना है। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर लिया तो ईजिली आप राइजिंग मूविंग एवरेज और फॉलिंग मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो लेटेस्ट डेटा को एम्फोसाइज करके आपको इंडिकेशन देता है, लेकिन जो वेटेड मूविंग एवरेज है वो कोई भी दिन पे कोई भी प्राइसेस का डेटा आपके अगर पास है तो उस हिसाब से आपको वो इंडिकेशन देता है वेदर यू शुड लॉन्ग और शॉर्ट। तो इट इज़ बेटर टू ट्रेड विथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देन इन वेटेड मूविंग एवरेज। आने वाले वीडियोज़ में मैं और कुछ आपको नॉलेज दूंगा अबाउट मूविंग एवरेजेस। थैंक यू।